तो व्यक्ति भूल नहीं सकता कि किसी सरकार में जब इन परिवारवादियों का शासन था तो क्या क्या होता था। कानून व्यवस्था कानून लगा दी गई थी, गुंडे माफिया पूरे आम जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, गुंडागिरी इतनी चरम पर गई कि बहन बेटियां घर से निकल भी नहीं पाती। और आज भाजपा सरकार की अनेक योजनाओं से हमारी बेटियों का भविष्य संवर रहा। वो शासन करने के बजाय वो शासन नहीं शोषण करते थे, हमने सेवा का बात करते वो अपने घर बनाते थे, हमने गरीबों के घर बनाए, वो अपने कामयाबी महत्व बढ़ाते थे, हमने विपोत्सव लोकसभा बनाए, वो जाति मन इलाका लेकर नौकरी के नाम पर लूट बढ़ाते थे। योगी जी की सरकार ने प्रदेश के 5 लाख गांव को बिना पक्षपात रूप से रोजगार दिया, उनके राज्य में कौशाम्बी में अवैध खनन को उद्योग बना दिया है। हम कौशाम्बी के प्रवाह के अंतर्गत मानव सूचना देने के सर्टिफिकेट की प्रतिष्ठा का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके राज्य में कौशाम्बी को बिजली के लिए पैसा दिया है। आज हमारे गांव में बिजली है, भरपूर बिजली मिलती है, इनके नाम में गोपालों का निर्माण करण घोटाला, हार्मेनियम घोटाला, एमबीएस घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, आज राज्य की एक एक गाय जनता की भलाई में। मैं कल यहां कौशाम्बी में ही एक वीडियो देख रहा, एक वीडियो ये दो परिवार वाली किस तरह गरीबों का अपमान करते हैं, ये उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा कि दो परिवार वालियों को भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा का स्वीकार करना गौरव नहीं है। ये भगवान बुद्ध का अपना भाई है, अपना भाई है, ये गरीबों का अपना भाई है, ये पिछड़ों का अपना भाई नहीं है, ये गरीबों का अपना भाई नहीं है, लेकिन उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का अपमान नहीं करता है। लेकिन चंद्र मुख देखा तो मोहित गौतम बुद्ध चंद्र का गरीबों का कभी कल्याण नहीं कर सकते। इन लोगों से आप सभी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अभी आपने देखा है कि अहमदाबाद सीनियर ब्लॉक में जो लोग शामिल थे, ऐसे आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आप मुझे बताइए, निर्दोषों को मारने वालों को कानून से सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कानून में कानून का काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप अपराधियों को जल से उठाना चाहिए नहीं करना चाहिए? देश को बर्बाद करें जो आतंकी निकले थे, उन्हें अदालत ने पूरी जांच करने के बाद अनेक वर्षों तक
जी ध्यान से जुड़ी